सच्ची बात चल रही है, हमें भी तो पता चले। अम्मा ने मेरे को सही कहा था कि अगर शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर। देखो आ गए वहां से सामने खड़े हैं मेरे। अगर हमारी इज्जत देखनी तो हमारे साथ दो चार दिन के लिए जेल चलो, फिर पता चल जाएगा कि लोग हमें कितना मानते। कसम से बता रहा हूँ मैं, तेरी आंखों में शर्म ना है। अपनी बहन के सुहाग को जेल भेजने की बात कर रहा तू? कैसी बात कर रहा है तू? शर्म इस बात की है हमें कि तुम्हारी बहन के सुहाग हो, बता रहे हैं हमें। हाँ एक मिनट पिंकी जी, सुन रहे थे? सुनो धीरे लड़ो यार, जैसे लड़ाई देखे ना, पिंकी जी का ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, और जब पिंकी जी का ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ता ना तो फिर पिंकी जी के पेट का भी प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है। एकदम धीरे धीरे करो, ऐसा करो साहब, ऐसी कोई बात ना है। तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाएगा। मिठाई लेके आ तुम्हारे लिए यार मेरे। ऐसा है कि कल जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती ना, कसम से बता रहा हूँ ईमान से। मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं इसलिए भरपाई करने के लिए आया हूँ। इसलिए अपने मशहूर गुप्ता जी है ना मोरी गेट वाले, वहां से ताजे ताजे मिठाई लेके आ रहे हैं। तुम्हारी जान की कसम खा के बोल ले आऊ मैं। अपना वो गुप्ता मोरी गेट वाले, वो तो उनकी मिठाई तो दिल्ली में बहुत मशहूर रखती है भाई। तो नाम मोरी गेट वाले में गुप्ता जी? एक मिनट, अच्छा वो गुप्ता जी मोरी गेट वाले, उनकी मिठाई तो दिल्ली में बहुत मशहूर रखती है भाई। अब तू बदनाम। हाँ यार मेरे बातें करते रहोगे यार, मिठाई भी खाओगे, अपनी आंखों से ताजा ताजा बनवा के।